Hey all you awesomely blossomely people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Ghar par ho apne? Good. So, aaj maine socha ki main vlog karti hoon. Aaj ki vlog karti hoon kyunki kaafi time ho gaya na kuch dhang ki video upload kare YouTube pe. So that's why I decided today, let me just vlog. Now, today I am preparing this very special dish. It's a Garhwali dish. It's called Chaunsa. Some people call it Chaunsu. Hamare ghar mein Chaunsa bulate hain. So it's a Garhwali dish. Now, before I start talking about this dish, let me tell you what is Garhwali, what is Garhwal, because I'm sure आप में से बहुत लोग होंगे जिन्हें इसके बारे में नहीं पता होगा एंड आई एम शो श्योर अबाउट इट बिकॉज वेन एवर पीपल दे आस्क मी आप कहाँ से हो आप क्या हो एंड आई टेल देम दैट आई एम गढ़वाली तो दे आर लाइक गढ़वाली ये कहाँ होता है गुजरात में आता है यस वंस दिस पर्सन आस्क मी दिस क्वेश्चन सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू एनलाइटन यू टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज दैट वॉट अबाउट समथिंग अबाउट गढ़वाल सो बेसिकली गढ़वाल जो है आता है उत्तराखंड में ठीक है उत्तराखंड क्या है अगेन उत्तराखंड वन ऑफ द स्टेट्स है यू नो देर आर 28 स्टेट्स नाउ इन इंडिया सो उनमें से एक स्टेट है उत्तराखंड सो ये 2000 में इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट सो पहले इट वॉज पार्ट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश देन 2000 में finally it became an independent state तो आपने अगर देहरादून मसूरी नैनीताल इन सब जगहों का नाम सुना है सो ये इसी स्टेट में पड़ता है सो नाउ आई होप आपको कुछ नई चीज सीखने को मिली है अगर आपको पहले से पता है तो वेरी गुड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी विद आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक इट इट्स वेरी सिंपल बहुत ईजी है बहुत टेस्टी है मुझे बहुत पसंद है ये जैसा सो या सो नाउ फॉर दिस बेसिकली हम लोग को इट्स मेड ऑफ उड़द दाल सो काली उड़द होती है जो अगर आपके घर में माखी दाल बनती है या दाल मखनी बनती है सो उसकी प्रिपरेशन में जनरली काली उड़द की दाल का इस्तेमाल होता है सो वी विल बी यूजिंग दैट Also, if you guys are wondering why I have this makeup on, because I'm supposed to stay, inside my house. I'm not supposed to go anywhere. So, because I filmed this look specially for you guys. So, I hope you are following me on my Instagram. Because I am uploading this makeup look on almost on a daily basis. So, please go and follow me on Instagram. It's Nirupama2Pukreti. Please go follow me. अगर यहाँ करते हो subscribe कर रखा है या follow कर रहे हो ये video देख रहे हो तो वहाँ जाके भी follow कर दो है ना So now let's get started with the recipe. तो ये है काली उड़द की दाल जिसके बारे में मैं बात कर रही थी Now we are going to do what? हम इसे थोड़ा सा roast करेंगे थोड़ा सा सेकेंगे So ये ऐसी खाली कढ़ाई में ठीक है हमने इसे बस थोड़ा सा सेकना है सो अब हमारी जो दाल है वो रोस्ट हो चुकी है सो नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज इसको मैं थोड़ा ठंडा होने दूंगी उसके बाद मुझे मिक्सी में इसको पीसना है सो हम एक पाउडर बनाएंगे इसका दाल का ठीक है So now I'm going to tell you the ingredients which will be required for the tadka. This is jakhia. Jakhia. हाँ जी ये गढ़वाल में मिलता है सो मोस्टली सारी जो भी dishes होती हैं उनमें इसे डाला जाता है इट्स लाइक राई ओनली बट बहुत छोटा छोटा सा होता है देन वी हैव जीरा जो कि सब लोग यूज करते हैं विद सब्जी एंड दाल एंड देन दिस इज हींग वेरी इंपॉर्टेंट हींग बहुत जरूरी है बहुत अच्छा स्वाद आता है And then this is finely chopped ginger and garlic, then some tomatoes, then we have some onion finely chopped and hari mirch. So now let's start with the tadka. So guys, for the tadka, we will be using the sarso ka tel because nothing like sarso ka tel. Agar aapko apni sabzi bahut swadisht chahiye, to please sarso ke tel ka istemal kijiye. So darshako, jaise ki aap dekh sakte hain ki kadhai mein maine sarso ka tel dal diya hai. एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है सरसों के तेल के साथ कि ये बहुत टाइम लगाता है पकने में तो बिफोर यू स्टार्ट पुटिंग थिंग्स इन द तेल मेक श्योर यू लेट इट कुक नाइसली आपको एक अच्छी सी खुशबू भी आएगी विच इंडिकेट्स दैट ये तेल अच्छे से पक गया है एंड आप इस तरीके से भी थोड़ा हाथ को दूर रख के
You can feel the heat, and then also that also indicates that the oil is heated properly. All right, so तेल अच्छे से पक चुका है. Let's just start with the ingredients. So I'll put some jeera, some hing, some ginger garlic. And some onion. It is so difficult to do it with one hand. What is this? तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज जो है हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है. तो जब तक वो थोड़ा सा और थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन हो जाए, तब उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर. तो प्याज जो है हमारा थोड़ा ब्राउन लाइट ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर. नाउ व्हाट आई लाइक टू डू इज, मुझे इसकी थोड़ा गैस को थोड़ा आग को धीमी करके एंड आई लेट इट कुक, ताकि इससे क्या होता है कि मसाला आपका जो है जलता भी नहीं है और वो अच्छे से पक भी जाता है. ऑल्सो अनदर थिंग विच आई ऑलवेज डू विद माई तड़का इज आई प्रेफर टू पुट चॉप्ड वेजिटेबल्स लाइक योर अनियन एंड टमाटो. मुझे इसको चॉप करके डालना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे इससे व्हेन आई कुक मुझे ऐसा लगता है कि यू नो जो इसका जो स्वाद है वो ज़्यादा अच्छे से निखर के आता है व्हेन इट्स चॉप्ड रादर देन उसको ब्लेंड करके डालना. सो जब तक हमारा जो मसाला पकता है तब तक हम चावल चढ़ा देते हैं पकने के लिए. सो मैंने इन्हें एक कटोरी चावल है ये जो कि मैंने सोख करके रखा है. ओके, जब भी हम चावल बनाते हैं सबसे ट्रिकी पार्ट होता है कि कितना पानी डाला जाए. मैं क्या करती हूँ कि ये मेरे पापा ने बताया था मुझे कि जैसे आप एक कटोरी चावल डाल रहे हो सो पुट दो कटोरी पानी इन इट. उसका जो प्रोपोर्शन होता है एकदम सही आ जाता है. ऑल्सो ये चार उंगल डुबो के देखना, ये टेक्निक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. बट दिस इज वॉट आई डू. नाउ वॉट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू पुट सम घी इन इट. ये वही घी है जो मैंने अपने हाथ से बनाया था. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट. And now I'm going to put it on the gas. ये मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है, अब मैं इसे ढक दूंगी. Okay, coming back to the chaunsa, as you can see that हमारे थोड़ा सा मसाले ने तो तेल छोड़ना शुरू कर दिया है. तो this is an indication कि मसाला आपका पक गया है, right? Now I'm going to put some धनिया powder, coriander powder. And some turmeric in it. Alright, I think this much would be fine. मुझे मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं है, so मैं जब भी अपने लिए बनाती हूँ I don't put red chili in it, red chili powder. And I'm going also going to put the salt, स्वाद अनुसार. Yes, I think this much is fine. ऑल्सो एक चीज़ मेरे साथ हमेशा होती है, जब भी आई कुक नमक हमेशा कम ही डलता है मुझसे, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद मैं कम खाती हूँ. तो हाँ, अब हमने जो मसाले हैं वो भी डाले हैं. सो अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कवर इट विद द लिड लाइक सो एंड आई विल लेट इट कुक फॉर 30 seconds और 1 minute. ओके, लेट्स चेक द मसाला. आई थिंक इट्स कुक्ड प्रॉपरली. हाँ जी, अच्छे से पक गया हमारा मसाला. अब हम इसमें डालेंगे हमारी दाल, द पाउडर विच वी प्रिपेयर्ड. नाउ वी हैव टू पुट वाटर इन इट. सी द ट्रिक इज कि जब भी जब आप पानी डालते रहते हैं उसके साथ साथ इसको आपको हिलाते रहना है ताकि गाट ना पड़े. बट एज आई एम होल्डिंग कैमरा इन वन हैंड सो इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर मी. सो बट आप जब भी आप बना रहे हैं आप मेक श्योर कीजिए कि आपका जो मसाला है जैसे आप देख रहे हो इस तरीके से नाउ. सो दिस विल अवॉइड दैट. Yes.
So now we'll put some more water in it. Yes, and now again I'm going to cover it with the lid. See, the idea of covering it with the lid is ki aapki gas kam kharch hoti hai aur khana acche se pakta hai. ऑल्सो अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि उसमें जो उसका रंग है और निखर के आता है और स्वाद भी काफ़ी इन्हांस हो जाता है. सो इफ़ यू हैव लोहे की कढ़ी प्लीज़ गो अहेड. ओके, लेट्स चेक द राइस. लवली. सो नाउ अभी मैंने गैस बंद कर दिया है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं ये लिड वापस लगा दूंगी एंड आई विल लेट इट कुक. जो ये भाप है इसमें चावल और अच्छे से पक जाएगा. So I will leave it for another 5 minutes. Yes. And then it will be ready. Okay, let's check the chaunsa. Oops. Thodi aanch dheemi kar di jaye iski. Nice. एक्चुअली मैं बहुत अच्छा बनाया है. नॉट बिकॉज मैंने बनाया है इसके बारे में बोल रही हूँ. इट्स वेरी नाइस. एंड सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट है, अगर आपने नहीं डाला तो सारा स्वाद लगेगा, इज घी. सो पुट लॉट्स ऑफ घी एंड इट इज डिलीशियस. नाउ आई रियली होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड इफ यू लाइक इट आई वुड लव टू मेक मोर ऑफ सच व्लॉग्स वेयर आई एम नॉट नेसेसरी आई विल बी कुकिंग बट डूइंग समथिंग एल्स ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. मैं ये चाह रही थी कि मैं कुछ वीडियो बनाऊं. आई नो क्या चल रहा है दुनिया में एंड वी ऑल आर स्ट्रेस्ड अबाउट इट, राइट. बट मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं एक वीडियो बना के उसी चीज़ के बारे में बार बार बात करूंगी तो ऑलरेडी हमारा माइंड इतना स्ट्रेस्ड है, इतना नेगेटिव है, वो और नेगेटिव हो जाएगा. सो एज अ कंटेंट क्रिएटर व्हाट आई फील माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक श्योर दैट चाहे वो वीडियो जितनी भी मिनट की हो, 10-20 मिनट की हो, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको जोन आउट कर दूँ. आई टेक यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड वेयर यू आर जस्ट यू नॉट वरिंग अबाउट एनीथिंग. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू डू इन दिस टाइम. एंड मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि क्या बनाऊँ वीडियो, क्या बनाऊँ, बिकॉज हम लोग सब अपने घरों में बंद हो चुके हैं, राइट. सो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं कि मैं बाहर ले जाकर कुछ ट्रैवल व्लॉग बना लूँ या कुछ डेली व्लॉग या आई एम टेकिंग यू आउट अलॉन्ग विद मी टू सी अ मूवी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. नथिंग कैन हैपन, राइट. But we have to look at the brighter side. This is the time you have to do whatever you feel like. Like, हम लोग कितना क्रिप करते हैं कि यार ऑफिस की वजह से, काम की वजह से टाइम नहीं मिलता. ये टाइम है आपके पास. I know work from home is really stressful. Ask me. I'm like, मैं literally भगवान को प्रे करती हूँ कि इससे अच्छा ऑफिस ही बुला लेते. लेकिन फिर भी एटलीस्ट मैं अपने घर में हूँ और मैं यू नो इफ आई एम नॉट लाइकिंग समथिंग या मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले सकती हूँ. सो आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी वन. सो दैट वेज आई थिंक इट्स रियली गुड थिंग, राइट. एंड एज इंडिविजुअल्स वी शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबल. मेक श्योर बार बार आपने देखा होगा अपने हाथ धोइए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, अपने घर में रहिए. मैं देखती हूँ अभी भी बैल्कनी में जाऊँगी तो मुझे इतनी सारी गाड़ियाँ दिखती है, बाइक पर लोग जाते हुए दिख रहे हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड वाई. I see to understand because मुझे खुद को एक हफ्ता होने वाला है अब कि मैं घर से बाहर नहीं गई हूँ. एंड ट्रस्ट यू मी, मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आई एम सो ऑक्यूपाइड विद माई वर्क, ऑफिस वर्क, एंड देन आई एम क्रिएटिंग सम कंटेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस टू कीप माई सेल्फ बिजी. बिकॉज आई नो द मोमेंट आई सेट आइडल मेरा दिमाग फालतू चलने लग जाएगा एंड इट्स नॉट गोन हेल्प मी. एंड मैं बहुत एक वो डिप्रेशन में चली जाऊँगी, एनजाइटी होगी जिसका मैं कुछ नहीं कर सकूंगी. तो मैं सिर्फ आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि यू नो डोंट स्ट्रेस अबाउट थिंग्स. द ओनली थिंग यू कैन डू इज एक्ट रिस्पॉन्सिबल विच आई टोल्ड यू, द थिंग्स विच यू नीड टू फॉलो विच एवरीबडी इज टेलिंग यू, एंड जस्ट बी हैप्पी. एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट सच कंटेंट वेर यू जस्ट कम, यू वॉच, यू रिलैक्स, पागल है क्या बना रही है, क्या बातें कर रही है, एंड यू जस्ट हैव अ गुड टाइम एंड
And yeah, that's all what I want. So I really hope you like this video. Okay, also try this dish. It's really nice. Okay, it's worth a try. Also, we are sitting at home. Kuch karne ke liye hai nahi, to koi nahi dish try kar lijiye. Hai na? So I'm now I have to eat this. And main video banate banate to nahi kha sakti hu. I need to watch something. I know I'm a bit so spoiled that way. So I love watching some videos on YouTube. So I'll be doing that. And you guys, take care. Stay happy. Sab theek ho jayega. Okay? Chalo, bye. Take care.